सपना था। मैं तो डरी गई, जाने तो जाके थोड़ा टीवी देखती। अच्छा हुआ रिजल्ट की डेट पोस्टपोन्ड हो गई। अभी क्या है, रिजल्ट तो एक दो हफ्ते के बाद में लगेगा, तो टेंशन ही नहीं है। चलो मस्त कोई मूवी वगैरह देखूंगी, क्योंकि टेंशन क्या है, दो हफ्तों के लिए टल गया। In results for SSC exams held in March-April 2022 by the Maharashtra State Board will be announced online on June 17 at 1 PM. इंसानियत के दुश्मन। मतलब रिजल्ट सिर्फ एक दिन के लिए पोस्टपोन्ड हुआ था, 15 से 17 तारीख तक। ये क्या भगवान यार। ये चिकू ने भगवान से कहा था मेरा रिजल्ट पोस्टपोन करने के लिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ एक दिन के लिए रिजल्ट पोस्टपोन हो जाए। चिकू कहाँ है तू? तू इधर आ चिकू, इधर आ तू। ये देखिए क्या है, सुनिए। ये क्या है, ये तूने ही भगवान से कहा था ना रिजल्ट पोस्टपोन करने के लिए। एक ही दिन रिजल्ट पोस्टपोन करा है भगवान ने मेरा, कल रिजल्ट लगने वाला है। क्या है यार चिक्कू। देख दीदी, तूने सिर्फ रिजल्ट पोस्टपोन करवाने के लिए कहा था, वो मैंने करवा दिया भगवान को बोल के। अब तूने ये नहीं बोला था कितने दिनों के लिए रिजल्ट पोस्टपोन करवाने का, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अब तू और तेरा रिजल्ट देख, मेरे को इसमें बीच में नहीं घसीटने का। इसी बात पे ना फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। रिजल्ट कल आने वाला है तेरा? हाँ तेरे पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पता ही नहीं था। टीवी क्यों बंद है? वो क्या है ना पापा, टीवी के अंदर कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए टीवी बंद है। नहीं पापा नहीं, ये दीदी है ना झूठ बोल रही है ना, वो टीवी के अंदर अभी रिजल्ट की न्यूज आ रही थी दीदी के। चलो कल तो कृष्णा की स्कूल भी है, तो मैं जाती हूँ और उसके है ना स्कूल की कुछ तैयारी करती हूँ। बस भगवान मैं ना पास हो जाऊँ और 60-65% तो दिलवा ही देना प्लीज भगवान। देखो मुझे तो पता है कि मुझे कुछ है ना खास परसेंटेज आने वाली है नहीं, और मम्मी को भी पता है। बस मैं ना होप करती हूँ कि ये रिलेटिव्स और फैमिली फ्रेंड्स पापा को गुस्सा ना दिलाए। चलो जो भी होगा अच्छा होगा, बस घर का माहौल ना बिगड़े। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज पता है आप सब लोगों को क्या है, आज से है ना कृष्णा की स्कूल ओपन हो गया और आज उसका फर्स्ट डे है, आज वो स्कूल जाएगा। बच्चे कैसा लग रहा है, इतने दिनों के बाद में तू 7 बजे उठा है, 7 नहीं 6 बजे उठा है। मस्त बच्चा स्कूल जाएगा, उसके फ्रेंड से मिलेगा, फिर बाद में मस्त टिफिन पार्टी होगी, बच्चे मजा आएगा ना स्कूल में। तो मैं अपने फ्रेंड से मिलूंगा। अच्छा और क्या करेगा? और जब लंच ब्रेक होगा मैं खाऊंगा। ठीक है। ये पापा छोड़ने आ लेंगे? हाँ आज पापा और मैं आएंगे। पलटू आएगी? हाँ मैं भी आऊंगी, तेरे को आज फर्स्ट डे है ना तेरा स्कूल छोड़ने। और लेने कौन आएगा? लेने भी मैं ही आऊंगी। मैं तो स्कूल बस लगा नहीं क्या? लगा नहीं तेरे को स्कूल बस? हाँ मस्त, फिर तेरे को स्कूल बस आएंगी। स्कूल इसका क्या है? ये मेरा भाई कृष्णा स्कूल जा रहा है, अब मुझे भी है ना स्कूल जाने का है कृष्णा के साथ में। अब तो कुछ सालों के बाद में इसकी भी स्कूल रहेगी। हाँ फिर मैं ना स्कूल में जाके ना टीचर लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगा ABCD। तो ये रहा आज का कृष्णा का नाश्ता, छोको चिप्स, उसको इससे ज्यादा और कुछ नहीं पसंद। फर्स्ट डे कृष्णा का और खुश हम सब लोग हो रहे हैं। बच्चा तू भी एक्साइटेड है ना? चिकू भी एक्साइटेड है। क्या हुआ देखो, ये देखो आज मम्मी कृष्णा के टिफिन में उसकी फेवरेट चीज दे रही है, साबूदाना वड़ा। पापा आ बच्चे, पापा निकलो ना जल्दी। हाँ
एकदम मस्त। क्या कब से आ रही पापा? चल लेट हो रहा, चल। क्या ले वो बैग, ले रुक रुक रुक। वैसे ही जा रहा तू तो क्या बच्चे? बच्चे चल, तू नर्वस फील कर रहा क्या? नहीं क्यों नर्वस फील करेगा, फर्स्ट डे है ना पापा आज। चल बच्चे, आज स्कूल का है ना पहला दिन है, समझा क्या? ठीक है पापा, मैं अच्छे से रहूंगा स्कूल में। अरे हाँ बाबा, तू अच्छे से रहेगा, लेकिन स्कूल को भी बोलना, स्कूल तुम भी अच्छे रहो बोलना, पहले ही दिन ना फीस मत मांगो बोलना। ठीक है? हाँ। हाँ। नहीं तो देख रहे स्टार्टिंग ही फीस से हो रही है। है ना बच्चे? देखो आ गई कृष्णा की स्कूल। देख बच्चा, तेरे स्कूल में फुगे भी लगाए वहाँ पे। वेलकम कर रहे बच्चे आज सब बच्चों का। आओ आओ दर्शन कराओ, मैं को भी अभी दे। चल मैं आके छोड़ना। बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर, ठीक है? क्या बोल रही भाई? चलो बेटा, बाय। 10:30 में जाना, 10:30। 10:30 तो आज फर्स्ट डे है ना, इसीलिए स्कूल है ना 10:30 बजे ही छूटने वाली है। 10:30 बजे आना है उसको लेने के लिए। वो तो खुश, 2-2.5 घंटे के अंदर ही। हाँ खुश हो गया वो तो बहुत, 10:30 बजे लेने आना है तो। कृष्णा तो चला गया था स्कूल, बट अब जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था वैसे वैसे मेरी टेंशन और बढ़ती जा रही थी। और पापा भी आज घर पर ही रुकने वाले हैं। हे भगवान प्लीज बचा लेना मुझे। तो अभी देखो ना यार, अभी अंजलि को वापस घर पे जाने, क्योंकि स्कूल चालू हो गए है ना, तो इसके भी स्कूल चालू हो गए। इतने दिनों के बाद में आई है तो मुझे बिल्कुल जाने देने का मन नहीं कर रहा, लेकिन कोई बात नहीं, तू 4 मिलियन के सेलिब्रेशन को आना, ठीक है? हाँ। और 10 दिन रहना है यहाँ पे। हाँ क्या यार अंजलि, मेरे रिजल्ट तक तो रुक जाती है, रिजल्ट तो देख के जाती मेरा। इतनी जल्दी है इसको जाने की, अब मेरे को रिजल्ट में अकेले ही रहना पड़ेगा, पता नहीं क्या होने वाला है। चल ठीक है, आराम से जाना, ठीक है? बाय 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 बाय। चलो चली गई यार अंजलि, उसको जाने का मन नहीं था लेकिन उसके स्कूल चालू हो गए तो जाना पड़ता है ना। क्या और यार, पता नहीं 10th की इतनी क्यों टेंशन होती है। मम्मी आप जब 10th में थे तब रिजल्ट के टाइम पे आपकी भी हालत सेम मेरे जैसी थी। हाँ हम भी तो बहुत टेंशन में थे। पहले तो ऑनलाइन नहीं था, स्कूल में जाने के बाद ही पता चलता था रिजल्ट। हाँ वो भी है, स्कूल में जाना पड़ता था पहले, अभी तो ऑनलाइन हो गया है तो और इजी है। ये लो पापा आपका खाना। कब आ रहा रिजल्ट, कितने बजे देखो? अभी 1 बजे रिजल्ट आएगा, अभी तो 11 बज रहे हैं। देखो 10:40। बाप रे, सिर्फ अभी थोड़ा सा ही टाइम बाकी है। पापा अभी बस 1.25 घंटा बाकी है। ये देखो मैंने हॉल टिकट भी निकाल लिया। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, अब जल्दी से रिजल्ट आ जाए बस। पापा सुनो ना, एक काम करते हैं, आप ये लो मेरा हॉल टिकट ले लो, आप सबसे पहले रिजल्ट देखना, ठीक है? देखो जैसे जैसे टाइम निकल रहा है ना मेरी टेंशन और बढ़ रही है। 1:07 बाकी है बस। अभी मार्क्स कम आए तो चलेगा, बट इतने भी कम मार्क्स नहीं आने चाहिए कि पापा का मूड ऑफ हो एंड उनको मुझे ताने मारने का मौका मिल जाए। देखो 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 कैसे पापा की चापलूसी कर रही दीदी, मैं ये गुंडी बंद कर देता हूँ उसको, अगर कम मार्क्स आए तो यही पे उसको पीटेंगे पकड़ के सब लोग। आप ही है ना बाहर जाके रिजल्ट चेक करना सबसे पहले, हम है ना आपके रिएक्शन से पहचान जाएंगे कि रिजल्ट क्या आएगा मेरा। ये दुनिया वाले 10th के एग्जाम के लिए केजी से 10th तक 12 साल प्रेशर डालते लड़कियों पे, और 18-19 के एज में उनकी शादी करा के देते, तो बाबा इतने 12 साल क्यों टेंशन देने का लड़कियों को।
फंस गए उधर। अब ये गाड़ी को मेरे कौन निकालेंगे उधर से? ये मेरी गाड़ी निकल ही नहीं रहा ना, उधर फंस गए वो। सिर्फ 1 मिनट 35 सेकंड बाकी है। चलो तो कितने सेकंड बाकी है पापा? अभी 40 सेकंड बाकी है। बाप रे, तो पापा जा रहे हैं अभी। भगवान का नाम ले लो, सब अच्छा ही होने वाला है। हाँ, खड़े रहते बस। देखो सब भगवान के पास खड़े हैं। कितने सेकंड बाकी है? हो गया। शांति रखो। रिजल्ट लग गया एंड मैं पास हो गई। ओ माय गॉड, इतनी खुशी हो रही है ना। अभी तो मार्कशीट हाथ में नहीं आई है, कुछ दिन के बाद में मिलेगी। मुझे मेरे रिजल्ट का स्क्रीनशॉट वायरल नहीं कराना है, इसलिए यहाँ पोस्ट नहीं कर सकते, मना किया है। मुझे ना 70% मार्क्स लाने थे, बट मैं 70% मार्क्स क्रॉस नहीं कर पाई। और हो सकता है कि मम्मी पापा को बुरा लगा हो और वो मुझे नहीं दिखा रहे हो। क्या यार, 4-6% और मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। जिसको भी 90% अबव है ना, उनको स्कूल में बुलाया है पासपोर्ट फोटो लेके। अरे तो अच्छी बात है ना, उनको स्कूल बुलाएंगे, उनका पासपोर्ट फोटो लेंगे, उनका बैनर वैनर छपवाएंगे और बड़े बड़े बैनर पूरे सिटी में लगाएंगे कि ये देखो इनको 95%, इनको 97%, इसको 98%, 99.99%। बैनर चिल्ला चिल्ला के सबको बोलेंगे कि देखो ये है टॉपर्स। और जो तुम सब लोग जो 60-70% लेके बैठे, तुम्हारा ये दुनिया में कोई काम नहीं। बराबर है, दिस इज डीमोटिवेशन। ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना। 10th में मुझे 56% थे, तो क्या मेरे आगे पढ़ाई रुक गई क्या? हाँ, मैंने किया ना, सिविल इंजीनियरिंग किया, हाँ LLB किया और एक डिग्री है, 3-3 डिग्री कर लिया ना। हाँ, कुछ रुका मेरे लाइफ में? कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होता। दुनिया लगी पड़ी है तुमको डीमोटिवेट करने में, तुम दुनिया की तरफ ध्यान मत दो। मैंने कितनी मेहनत की थी। अरे देखो, हमने ना सबसे ज्यादा मेहनत हमने ना उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए की थी। ठीक है, स्कूल में एडमिशन हो गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये मार्क्स लाना तो इजी था, है ना? तूने क्या क्या झेला वो तू जानते, हम जानते। ठीक है, और प्रीलिम्स एग्जाम तूने स्कूल में जाके दी, सारे के सारे पेपर स्कूल में जाके दिए। आधे लड़कियों ने क्या किया? घर पे बैठ के दिए। आंसर शीट घर पे लेके जाते थे, घर पे लिखते थे और एक ही दिन सारे आंसर शीट लाके उन्होंने सबमिट कर दिए। हाँ। ये मार्क्स वगैरह सब है ना, एक नंबर है। ठीक है, तो इसमें टेंशन मत लो। जब मैंने अपना लास्ट स्कूल छोड़ा था, उसके बाद में मुझे इतने बड़े स्कूल में फिर से एडमिशन मिलना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो देखो, जितने भी परसेंटेज मुझे आए ना, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। तो आप भी अगर मेरी तरह 70% के अंदर रह गए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। एंड आप कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन लेने वाले हैं वो भी मुझे बताना, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।